बहुत लोगों का जो माइंडसेट है वो ये है कि जिंदगी तो चली रही है कट रही है जो हम चाहते हैं कर ही लेंगे और फिर रिटायरमेंट है उसके बाद आगे ज़िंदगी निकल कट ही जाएगी एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद बायोलॉजी को अच्छा समझना चालू किया कि एक्चुअली फिफ्टी ट्रिलियन सेल्स से हम बने हुए हैं hmm. हम फिफ्टी ट्रिलियन सेल्स के समेशन हैं और हर सेकेंड जैसे हम बात कर रहे हैं तीन बिलियन सेल्स मर रहे हैं यानी कि थ्री बिलियन सेल्स और नए बन रहे हैं तो हर सेकंड में जो हमारे पैटर्न जैसे आप कह रहे थे हर एक पैटर्न को हमारे पास चेंज करने का अपॉर्चुनिटी है yes. हमारे लाइफ में हर चीज नया होता जा रहा है हम जब हम माइंडसेट शिफ्ट करते हैं वो चीज़ बदल जाती है और कई लोगों को लगता है जैसे पैटर्न बन ही गया आप क्या आप कैसे बदल सकते हैं हम जरूर बदल सकते हैं हर सेकेंड में हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं yeah. तो एक बहुत ब्यूटिफुल एग्जाम्पल है जो ब्रूस लिप्टन देते हैं जिन्होंने बायोलॉजी ऑफ बिलीफ लिखी है तो कहते हैं कि जब वो बुक लिखना चाह रहे थे तीन बार वो फेल हो गए वो बुक कंप्लीट नहीं कर पाए वो लिख नहीं पाए तो उन्होंने अपने आप को चेक किया कि क्या हो रहा है मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं तो ये जो डीप सीटेड बिलीफ है जो एक और बिलीफ था उनके पास कि उनको ये लगता था कि अगर मैं ये बुक लिखूंगा जिसमें थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी भी है क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है और वो जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी hmm. तो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी तो उनको लगा कि अगर ये पब्लिश करूंगा तो मेरा जो होल्ड है साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में वो छूट जाएगा hmm. जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि ओ माई गॉड मैं जो करना चाहता हूँ वो केवल एक बिलीव सिस्टम से मैं पीछे हट रहा हूँ उन्होंने जो अपना माइंड सेट कम्प्लीटली शिफ्ट कर दिया hmm. तो उन्होंने जो बिलीव सिस्टम का जो थाट प्रोसेस का शुरुआत है उन्हें ये शिफ्ट किया कि मैं बुक कंप्लीट कर चुका हूँ बहुत आराम से बहुत खुशी खुशी मैं कम्प्लीट कर रहा हूँ और जो फाइनली जब कुछ महीनों बाद वो बुक कंप्लीट भी होता है और वो देखते हैं कि हाँ मैं बहुत ही हैप्पी फील कर रहा हूँ hmm. और जब उन्होंने चेक किया कि मैं क्यों हैप्पी फील कर रहा हूँ ओ मैंने जो वो बिलीव चेंज किया उससे एक्चुअली मैंने अपनी रियलिटी क्रिएट की और इट्स द बेस्ट सेलिंग बुक आज yeah. तक हम उस बुक को बार बार देखते हैं पढ़ते हैं और उसको वैलिडेट कर पाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन में कितना इम्पैक्ट है कितना पावर yeah. है सो दैट्स वॉट द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इज मैनिफेस्टेशन हम तभी कर पाते जब हम अपने कोर बिलीव्स पर काम करते हैं यस लोग कोर बिलीव पर काम नहीं करते लेकिन एक नया रियालिटी क्रिएट क्रिएट करना चाहते हैं इनफैक्ट सेथ में जेन uh, रॉबर्ट्स uh, जो सेथ को चैनल करती है सेथ का भी जो कोर क्रक्स है वो यही कहते हैं कि आपका जो भी थॉट्स क्रिएट हो रहा है उसके पीछे डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम है ये बिलीफ एनर्जी ही है जो हर थॉट को एनर्जी देके आपकी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है जो बैक स्टोरी है जो ब्रूस लिप्टिन का स्टोरी आप बता रहे हैं उसमें यही था कि उनके माइंड में एक डिसम्पावरिंग बिलीफ था दैट ही इज़ नॉट गुड इनफ़ कि अगर मैं अपने साइंटिस्ट माइंडसेट से हट हट जाऊँ तो मैं गुड इनफ नहीं हूँ मैं कुछ ऐसे दिशा में जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे दूसरों के एक्सेप्टेंस के लिए नहीं अपनी खुशी के लिए काम करना है उनके अंदर ऑटोमेटिकली वो डिज़ायर उत्पन्न हुआ कि मैं ये बुक खुशी खुशी कर कंप्लीट करना चाहता हूं तो थॉट लेवल पर और बिलीफ लेवल पर दोनों लेवल पर उन्होंने काम किया